हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं ऑटोप्सी। ठीक है, सो पिछली वीडियो में हमने कवर करी थी सेकंड ऑटोप्सी। तो सेकंड ऑटोप्सी मैंने एग्ज्यूमेशन के कंटिन्यूएशन में पढ़ाया था। ठीक है, सो मैंने सोचा कि आज हम पढ़ लेते हैं ऑटोप्सी की ऑटोप्सी है क्या, क्यों परफॉर्म करी जाती है, कितने तरीके की ऑटोप्सी होती है। ठीक है, सो आप ऑटोप्सी को ये भी लिख सकते हो मेडिको लीगल ऑटोप्सी, मेडिको लीगल ऑटोप्सी। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी, राइट। सो लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर ये है कि आपने ये जो कॉर्नर में आपको लोगो दिख रहा है, ये वाला लोगो, ये है हमारे ऑफिशियल ऐप का लोगो, राइट। हमको टेलीग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इशू हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम का कोई भी मेंबर आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे हम जो भी यूट्यूब में पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। ऐप में सारे के सारे इम्पॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सो इससे रिलेटेड कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हमारे ऐप में मिलेंगी। और सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ओके, सो अब हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी पढ़ने से पहले हमें इस वर्ड को ब्रेक करना है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये वर्ड एग्जैक्टली आया कहाँ से, हमें कैसे मिला ये वर्ड। सो ये जो वर्ड है ये ओरिजिनेटेड है ग्रीक टर्म से। दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है, ग्रीक वर्ड से आया है, राइट। कौन कौन से वर्ड है? पहला वर्ड है आपका ऑटोज, फर्स्ट वर्ड इज ऑटोज जिसका मतलब होता है सेल्स। दूसरा आपका वर्ड है दैट इज ओपस, और ऑप्सिस। ठीक है, ये दोनों वर्ड हो सकते हैं जिनका मतलब होता है व्यू। ठीक है, सेल्फ व्यू। तो अगर हम लिटरली देखें, अगर लिटरली मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग होता है सेल्फ व्यू। ऑटोप्सी का लिटरल मीनिंग होता है सेल्फ व्यू, और हम ये कह सकते हैं इट मीन्स टू सी ओन सेल्फ विद ओन आईज। ठीक है, मेडिकल साइंस में हम ये कह सकते हैं ऑटोप्सी मेडिकल एग्जामिनेशन है डेड बॉडी का, जिसमें हम उस डेड बॉडी को कम्प्लीटली देख सकते हैं। सो जो ह्यूमन अनाटोमी है, व्हेन आई टॉक अबाउट ह्यूमन अनाटोमी सो ये सेम ही होती है। ठीक है, जैसे कि डेड बॉडी में होगी कि लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, सो ये सेम ही होते हैं। तो इसलिए ही इसका नाम ऑटोप्सी रखा गया, क्योंकि हम ऑटोप्सी में उस डेड बॉडी को, ऑफकोर्स डेड बॉडी हम यूज़ करते हैं, बट उस बॉडी को ओपन करके हम व्यू कर रहे हैं, एंड दैट इज सेल्फ व्यू। इसलिए इसका लिटरल मीनिंग होता है सेल्फ व्यू। ठीक है, ऑटोप्सी को और कौन कौन से नाम दिए गए हैं, या ऑटोप्सी के और कौन कौन से नाम हैं? सो ऑटोप्सी को हम कहते हैं, और क्या कहते हैं ऑटोप्सी को? हम कहते हैं नेक्रोप्सी। ठीक है, नेक्रोप्सी कह सकते हैं, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कह लो, ऑटोप्सी या कैडेवरम भी कहते हैं। वेट, ऑटोप्सिया कैडेवरम, कैडेवर किसको कहते हैं हम? डेड बॉडी को कहते हैं। ठीक है, ऑटोप्सिया कैडेवरम या फिर ऑब्डक्शन। तो ये सारे के सारे नाम हैं आपके ऑटोप्सी के।
ठीक है, अटोप्सी में होता क्या है? ठीक है, लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड. अटोप्सी में क्या होता है? इफ आई से अटोप्सी इज नथिंग बट द डिसेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी. Dissection and examination of dead body. ठीक है, ये आपका autopsy की definition हो गई. ठीक है, dead body और dead body के organs, its organ and structures. ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जो ग्रीक टर्म है, ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड है अटोप्सिया. ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है जिससे हमारा टर्म ओरिजिनेट हुआ है. ओके, इट हैज बीन इन यूज इन रेफरेंस टू डिटरमाइनिंग द कॉजेज ऑफ डेथ बाय एग्जामिनिंग अ बॉडी सिंस 17th सेंचुरी. अब ये अटोप्सी कब से परफॉर्म करी जाती है? 17th सेंचुरी से. फ्रॉम 17th सेंचुरी टू आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग टू डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ डेथ. ठीक है, टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ 17th सेंचुरी से अटोप्सियाँ की जा रही हैं, अटोप्सीज परफॉर्म करी जाती है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेथ. ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली और इसके फीचर्स पे जाएं या फिर हम कहें पोस्ट मॉडर्न एग्जामिनेशन, तो दो टर्म एसोसिएटेड हैं. ठीक है, अटोप्सी और PME, दैट इज पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन, जो कि हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ autopsy is equal to PME, that is postmortem examination. ठीक है, ये interchangeably हम use करते हैं. जो postmortem examination है, ये एक बड़ा term है, it's a broader term which means all examination conducted or performed after death. ठीक है, क्योंकि पोस्ट मॉर्टम का मीनिंग क्या होता है, अगर हम पोस्ट मॉर्टम की मीनिंग देखें, पोस्ट मॉर्टम सो इज इक्वल टू पोस्ट मतलब आफ्टर, मॉर्टम मींस डेथ, सो आफ्टर डेथ. तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन इंक्लूड करता है आफ्टर डेथ. ओके, सो postmortem examination is a broader term. We can say it is a broader term which includes which includes all examinations conducted and performed after death. ठीक है, conducted and performed after death. इसीलिए ही postmortem examination includes the examination of the body from the crime scene, place of death as well as the autopsy. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, we can say that it includes examination of the body at the scene या फिर
प्लेस ऑफ डेथ, ठीक है, एट द सीन ऑफ प्लेस ऑफ डेथ एज वेल एज अटॉप्सी, ठीक है. सो हमारी कंट्री में क्या होता है, इट इज डन बाय द पुलिस, क्योंकि पुलिस जो है वो डेड बॉडी को लेके जाती है डॉक्टर के पास, एंड देन अटॉप्सी होती है. वेदर अटॉप्सी कंडक्टेड बाय द डॉक्टर, जो भी सिविल सर्जन होता है या फिर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, तो ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है. गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये डॉक्टर्स अटॉप्सी करते हैं, ठीक है. जो FSL टीम में इंक्लूडेड पुलिस ऑफिसर या फिर सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो डेड बॉडी को क्राइम सीन से लेके जाते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज, कह सकते हैं मेडिकल कॉलेज अगर है तो, या फिर गवर्नमेंट की हॉस्पिटल जहाँ पे अटॉप्सी की जाती है. कौन अटॉप्सी करता है? कोई भी सिविल सर्जन जिसको ये अथॉरिटी होती है कि वो अटॉप्सी परफॉर्म कर सके, ठीक है. सो अटॉप्सी कब होती है? डेड बॉडी, ये क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू. अब हम टाइप्स ऑफ अटॉप्सी पे आएंगे कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. टाइप्स ऑफ अटॉप्सी, टाइप्स ऑफ अटॉप्सी, कितने तरीके की अटॉप्सी है? सो बेसिकली तीन तरीके की अटॉप्सी हमारे पास है. फर्स्ट अटॉप्सी हम कहते हैं क्लिनिकल, क्लिनिकल या फिर आप इसे कह सकते हो पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल या हॉस्पिटल अटॉप्सी, या फिर हॉस्पिटल अटॉप्सी. नेक्स्ट है मेडिको लीगल अटॉप्सी या फिर फॉरेंसिक अटॉप्सी. फॉरेंसिक क्यों? क्योंकि लीगल वर्ड आ गया ना, मेडिको लीगल अटॉप्सी, इसे हम कह सकते हैं फॉरेंसिक अटॉप्सी भी, ठीक है. थर्ड है आपका एनाटॉमिकल या एकेडमिक अटॉप्सी. एनाटॉमिकल या फिर अकेडमिक अटॉप्सी, ठीक है. ये तीन तरीके की अटॉप्सी होती है. क्लिनिकल होती है जिसे हम पैथोलॉजिकल या हॉस्पिटल अटॉप्सी भी कहते हैं. मेडिको लीगल अटॉप्सी होती है जिसे हम फॉरेंसिक अटॉप्सी भी कहते हैं. एनाटॉमिकल अटॉप्सी होती है जिसे हम अकेडमिक अटॉप्सी भी कहते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट अटॉप्सी हम एक एक करके देखेंगे. बट एक फ्लो चार्ट अगर मैं बना दूँ, एक फ्लो चार्ट अगर मैं बनाऊँ अटॉप्सी की, तो ऐसे बना सकते हैं. सो जो डिफरेंट टाइप के अटॉप्सीज हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. बट यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैं बता देती हूँ. अटॉप्सी, अटॉप्सी इसे हम दो वे में डिवाइड कर सकते हैं, क्लिनिकल, क्लिनिकल अटॉप्सी, क्लिनिकल अटॉप्सी या फॉरेंसिक अटॉप्सी. ठीक है, क्लिनिकल या फॉरेंसिक अटॉप्सी, ये दो मेजर अटॉप्सीज हैं. क्लिनिकल में हम इंक्लूड कर सकते हैं फर्दर टू कंप्लीट, कंप्लीट अटॉप्सी. दूसरा हो सकता है पार्शियल, ठीक है, पार्शियल अटॉप्सी. जो फॉरेंसिक अटॉप्सी है, इट्स ऑलवेज कंप्लीट, ऑलवेज कंप्लीट अटॉप्सी, ठीक है, ऑलवेज कंप्लीट अटॉप्सी. फॉरेंसिक अटॉप्सी हमेशा कंप्लीट अटॉप्सी होती है. तो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्या क्या रूल्स होते हैं अटॉप्सी के, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं अटॉप्सी में, डिफरेंस क्या होता है क्लिनिकल में, मेडिको लीगल में या अकेडमिक में. देखो ओवरऑल आइडिया, अकेडमिक का मतलब ये है कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एनाटॉमी पढ़नी है, अगर उसकी वजह से अटॉप्सी करी जा रही है तो अकेडमिक अटॉप्सी. मेडिको लीगल अटॉप्सी कोई भी लीगल केस में, कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ, ये सारी चीज़ें जानने के लिए जब अटॉप्सी करी जाती है, तब मेडिको लीगल अटॉप्सी.
क्लिनिकल पैथोलॉजिकल या हॉस्पिटल ये अटोप्सीज भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए की जाती हैं. सो एक ब्रॉडर आइडिया यही है. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके ये डिफरेंट टाइप ऑफ अटोप्सीज कंप्लीट करेंगे. सो आई होप अटोप्सी क्या है ये क्लियर हो गया है. अटोप्सी वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ ये क्लियर हो गया है. अटोप्सी के और डिफरेंट डिफरेंट नेम क्या है ये क्लियर हो गया है. राइट 17th सेंचुरी से अटोप्सी की जा रही है. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और अटोप्सी दोनों एक ही चीज़ें हैं, इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं. पर जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो थोड़ा ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू अटोप्सी, बट ये दोनों एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं इन्हें. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटोप्सी जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे. ठीक है, अटोप्सी का फ्लो चार्ट देख लिया. मेजर टू अटोप्सीज होती हैं, क्लिनिकल अटोप्सी एंड फोरेंसिक अटोप्सी. फोरेंसिक अटोप्सी हमेशा कंप्लीट होती है, क्लिनिकल अटोप्सी पार्शियल या फिर कंप्लीट हो सकती है. तो ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पार्शियल अटोप्सी क्या है, कंप्लीट अटोप्सी क्या है. ओके सो यस, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Thank you so much for watching this video. And if you have any doubt, you can reach out to us WhatsApp support में. कोई भी social media handle पे, सारे social media handles along with app की जो link है वो है description में. Okay? Don't forget to subscribe us, like this video, share it with your friends and stay connected. See you in the next lecture. Have a great day ahead. Bye.